हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता पार्ट टू। दोस्तों पार्ट एक में हमने नंबर 6 तक के शक्तिशाली देवताओं के बारे में जाना, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं भगवान हनुमान। दोस्तों वह श्री राम के परम भक्त हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है कि वो भगवान शिव के अंश हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी को हराया नहीं जा सकता। दोस्तों हनुमान जी की शक्ति के अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बाल अवस्था में ही सूर्य को निगल लिया था और इंद्र के वज्र को भी सह लिया था, जो असंभव है। इस लिस्ट के नंबर 4 पर आते हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण अपने आप में स्वयं भगवान के रूप में या भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण का बचपन चमत्कारों से भरा था। वे बहुत शरारती भी थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की, वो भी बिना किसी हथियार उठाए। वे अर्जुन के सारथी बने। दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आ जाते हैं दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी। दोस्तों भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उनकी पत्नी माता सीता है जो स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार है। उन्होंने बंदरों की मदद से लंका के राजा रावण को हराया था। दोस्तों इस लिस्ट के आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के नंबर 2 पर आते हैं भगवान विष्णु। दोस्तों भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। भगवान विष्णु दुष्टों का नाश करने के लिए विभिन्न युगों में अवतार लेते हैं। मानवता के दुष्ट प्राणियों से बचाने के लिए उनकी शक्ति अनंत है। लेकिन इस लिस्ट के आगे की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि नंबर 1 पर कौन है। तो दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 1 पर आ जाते हैं भगवान शिव। दोस्तों भगवान शिव सबसे शक्तिशाली देवता हैं। वह संहारक हैं। भगवान शिव जीवन देते हैं और जीवन लेते भी हैं। वह योगी हैं। वह सभी ज्ञान के स्वामी हैं। वह बहुत दयालु हैं। भक्त बत्सल भगवान शिव निराकार हैं। वह इस धरती के कण कण में हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में।